temperature measurements and temperature scales Assalam alaikum students i welcome you all on the platform of digital academics provided by moonlight international publishers in this video we will study what are the temperature changes and what are the temperature measurement scales इसके लिए अगर आप अपने प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल करें तो हमने देखा कि व्हाट आर द टेम्परेचर चेंजेस टेम्परेचर चेंजेस सॉलिड्स लिक्विड्स और गैस के अंदर किस तरह से आती हैं और काइनेटिक एनर्जी का इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी जगह पे टेम्परेचर है तो उसको मैयर किस तरह से किया जाता है टेम्परेचर में आप अपनी फाइव सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर कहीं पर है या फिर नहीं है मतलब अगर आप बताएँ कि ये चीज़ होट है ये कोल्ड है तो आप इजीली उसको अपनी फाइव सेंसेस से डिफाइन कर सकते हैं वोटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन किया जा सकता है लेकिन जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है उसको करने के लिए हमें कुछ स्केल्स को स्टडी करना पड़ता है इसमें अगर देखिए कि टम्परेचर की मेजरमेंट के लिए कौन से स्केल यूज़ होते हैं तो इसके लिए टोटल थ्री स्केल है तीन तरह के स्केल इसके लिए यूज़ होते हैं जिसमें कैलवन स्केल आता है सेल्सियस स्केल आता है और फॉरनेट स्केल आता है इससे पहले हम देखेंगे कि इन टेम्परेचर को जो टेम्परेचर हम मैयर कर रहे हैं उसको मैयर करने के लिए कुछ बेसिक डिवाइसेस होती हैं कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अगर वो इंस्ट्रूमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये एक थर्मामीटर है उस थर्मामीटर के ऊपर स्केल रीडिंग भी होती है मतलब सबसे कम टेम्परेचर भी दिया होता है सबसे ज्यादा भी दिया होता है कि सबसे कम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इससे कम टेम्परेचर इस थर्मामीटर के ऊपर मैयर नहीं किया जा सकता और ज्यादा का क्या मतलब है कि अगर टेम्परेचर इससे ऊपर भी चला जाए तो फिर आप उसको मेयर नहीं कर सकते तो थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टेम्परेचर की रेंज को और डिफाइन कर सकते हैं किस चीज़ का कितना टेम्परेचर है उसकी क्वालि क्वानिटिटेटिव मेयर बता सकते हैं क्वान्टिटेटिव मेयर का मतलब है उसकी वैल्यूज को बताया जा सकता है थर्मोमीटर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रिक और मरकरी थर्मोमीटर जो डेली यूज में आता है वो मरकरी थर्मोमीटर है इसके अंदर मरकरी होता है जैसे ही वो टेम्परेचर को फील करता है वो अबाव ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है इसके लिए अगर हम देखेंगे हमारे पास स्केल्स कौन से हैं तो बेसिकली थ्री तरह के स्केल होते हैं फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल नेक्स्ट आता है फॉरनाइट स्केल और फिर आता है कैलवन स्केल सबसे पहले हम देखेंगे कैलवन स्केल को आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थर्मामीटर शो हो रहा है जिसमें कैलवन स्केल अगर आप देखें तो इसकी लोएस्ट और हाइएस्ट रेंज है उसको डिवाइड किया जाता है टेम्परेचर की रेंज को रेंज को हंड्रेड पार्ट्स के अंदर मतलब जीरो से लेके ये कहाँ तक चला जाएगा हंड्रेड तक अगर आप देखें कि कैलवन स्केल के ऊपर कितनी मेयरमेंट होती है तो जो इसका लोएस्ट पॉइंट है सबसे कम जो टेम्परेचर ये मेयर कर सकता है वो टू सेवेंटी थ्री कैलवन है और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो ये मेयर कर सकता है वो थ्री सेवनटी थ्री कैलवन है तो टू सेवेंटी थ्री से थ्री सेवनटी थ्री कैलवन के बीच का जो मेयरमेंट है दैट इज हंड्रेड इसका मतलब है कि मतलब जो उसकी टेम्परेचर रेंज है वो हंड्रेड है इसका मतलब ये हुआ कि इसको हंड्रेड पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है अगर इसके सबसे कम रेंज देखेंगे तो वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है और जो सबसे ज्यादा रेंज है वो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है जीरो से लेके ये हंड्रेड तक जो वैल्यूज है उनको मेयर कर सकता है जीरो के ऊपर वाटर फ्रीज हो जाता है हंड्रेड के ऊपर वाटर बॉइल करना स्टार्ट कर जाता है तो ये टेम्परेचर चेंजेस को मेयर कर सकता है ईजिली उसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्केल आता है जिसको फॉरनाइट स्केल कहते हैं फॉरन स्केल डिग्री ऊपर लगा के गोल और नीचे उसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर ये देखिए इसके आप मेयरमेंट को देखें या इसके थर्मोमीटर की आप डायग्राम देखें तो इसके ऊपर आपको 180 पार्ट्स नजर आएंगे इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर रेंज जो है वो वन एटी है इसकी वन एटी जो इसका लोएस्ट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है और जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 212 है इसके दरमियान जो टोटल पार्ट्स आते हैं वो 180 एटी पार्ट्स हैं तो 32 से लेके ये 212 डिग्री फॉरन तक टेम्परेचर को मैयर कर सकता है ये डिफरेंट थ्री स्केल्स हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो टम्परेचर हम मैयर कर रहे हैं उसकी कन्वर्जन कैसे होती है अगर आपको कोई टम्परेचर कैलवन में दे रहा है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे मेयर करते हैं अगर कोई कह रहा है कि हमारे पास ये डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसको कैलवन में कन्वर्ट करके दिखाएं तो इसकी इंटर कन्वर्जेंस कैसे होती हैं इसके इंटर कन्वर्जेंस के लिए हम फार्मूलाज को यूज़ करते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर थ्री डिफरेंट फार्मूलाज ऑब्जर्व कर सकते हैं सबसे पहले जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर वो कैलवन स्केल की मेजरमेंट का है इसका मतलब यह है कि कोई टेम्परेचर रेंज थी जो डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेम्परेचर आता है फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड को आपने कन्वर्ट करना है कैलवन के अंदर तो आप क्या करेंगे स्टार्ट पे लगाएंगे टी कैलवन उसको इक्वल करेंगे तो जो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसको रख देंगे और साथ उसको एडअप करेंगे 273 के साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रहा है और उसको कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें कैलवन में तो आप 273 के अंदर उस वैल्यू को ऐड करेंगे और आप टेम्परेचर कैलवन में निकाल के उनको दे देंगे उसके बाद सेकेंड फार्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं अगर कैलवन के अंदर वैल्यू है टेम्परेचर की उसको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसको 273 में से सिंपली आप माइनस कर देंगे उसके बाद थर्ड फार्मूला आपको नजर आ रहा है कि फॉरन हाइट के अंदर किस तरह से को किया जाता है। के वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में आ रही है नाइन बाई फाइव के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से ये थ्री फार्मूलाज डिफाइन करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स आपने इन की वैल्यूज को और इनके एग्जांपल्स को एक दफा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है स्टेबलेस अल्लाह हाफिज